एंड वेलकम टू क्रेविंग्स कॉल। आई एम प्रज्ञा और आज हम बना रहे हैं गरम गरम बादाम वाला दूध। विंटर्स में गरम दूध पीना, बादाम वाला दूध पीना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा रोज़ और केवरा का फ्लेवर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले 3/4 कप बादाम लेके उसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, उबाल लीजिए और उसकी ऊपर के छिलके जो हैं उसको हटा दीजिए। अब इसमें को एक मिक्सर के जार में लीजिए और इसमें थोड़ा सा दूध, लगभग आधा कप दूध लेके इसे ब्लेंड कर लेते हैं, एक बार चला लेते हैं मिक्सी में। आप देखेंगे अभी बादाम के पीस इसमें थोड़े मोटे हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया है और एक बार फिर से इसको ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको अभी भी परफेक्ट टेक्सचर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा और दूध डाल के आप इसे दोबारा ब्लेंड कर सकते हैं। लीजिए, देखिए ये एकदम आलमंड का पेस्ट बन गया है, बादाम का पेस्ट बन गया है। अब इसे एक बार हम छान लेते हैं। अगर ये पेस्ट बन गया है, ज़्यादा कुछ छन्नी में रहता नहीं है, अगर थोड़े बहुत पीसेस रह भी जाते हैं तो आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी खा सकते हैं, किसी मिठाई में, दूध में, अलग से भी डाल सकते हैं, खीर में। लेकिन बहुत दिन तक स्टोर मत कीजिएगा, सेम डे उसे आप यूज़ कर लीजिएगा। अब इस बादाम के दूध को हमने छान लिया है। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें 3 कप नॉर्मल दूध डालेंगे। लो टू मीडियम ही फ्लेम रखिए। अब नॉर्मल दूध में हम बादाम वाला दूध मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसी दौरान हम इसमें डाल लेते हैं चीनी। अगर आप चीनी अवॉइड करना चाहते हैं तो बाद में, लास्ट में जब दूध रेडी हो जाएगा, आप ऊपर से शहद या शक्कर जो भी आप डाल के ये लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच चीनी डाली है। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर, लगभग आधा चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच केवड़ा एसेंस और 1 छोटा चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। ये एक इस दूध में एक बहुत ही अच्छी खुशबू, एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब हम इसे बहुत देर नहीं पकाना है, बस जैसे ही लगता है कि दूध गर्म हो गया है अच्छे से, हम इसे बंद कर लेंगे, फ्लेम से उतार लेंगे। लीजिए, ये दूध एकदम रेडी है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इसको आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े कटे हुए बादाम के साथ या फिर कटी हुई, बारीक कटी हुई गुलाब की पत्तियों के साथ। ये जितना सुंदर देखने में लग रहा है उतना ही खुशबूदार, टेस्टी और बहुत ही अच्छे, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और कमेंट सेक्शन पे लिखना ना भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।